भाई ये ब्रिज टूट जाएगा क्या? 10 किलोमीटर और 1 वी का लैंड टाइम। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे 310। ये नेशनल हाईवे है, दिस इज कॉल्ड हाईवे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज 3 अक्टूबर हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरुडोंगमार के लिए अपनी राइड। एंड पहला हमें स्टॉप लेना पड़ेगा लाचेन पे। आई एम नॉट श्योर कि लाचेन पे मैं रुकने वाला हूँ या कैरी ऑन करने वाला हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि हम लाचेन से कैरी ऑन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम टाइमिंग्स। वहाँ से लाचेन से सुबह 10 बजे के पहले निकलना पड़ता है गुरुडोंगमार के लिए। अगर निकलना है कुछ एंट्री या कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स सी, हम बात करके देखते हैं। हमारे पास स्पेशल परमिशन अगर हमें मिल जाता है, इंडियन आर्मी हमें डिस्टर्ब नहीं करती है, तो हम कैरी ऑन कर लेंगे गुरुडोंगमार के लिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आज हम लाचेन स्टे करेंगे, इसके बाद हम कैरी ऑन कर लेंगे। तो इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है आज होटल के बाहर का। ऑलमोस्ट बाइक को हमने लुब्रिकेट कर लिया है, सब एवरीथिंग इज़ डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केशव भैया इज़ ऑलरेडी रेडी। क्यों भाई? बिल्कुल रेडी। क्या लगता है पहला स्टॉप कितने किलोमीटर में लेने वाले हैं? हाँ, इसके हिसाब से देखते हैं। टेरेंस ILP को लेकर डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले क्या टूरिज्म ऑफिस जाने वाले हैं, लेकिन वो तो अभी खुला नहीं होगा, राइट? देखते हैं खुलता नहीं खुलता। हाँ, खुल जाता है यार 8 बजे तक। टूरिज्म ऑफिस खुल जाता है, राइट? आई होप कि टूरिज्म ऑफिस खुल गया हो। एंड लेट्स कैरी ऑन ऑन द वे, बात करते हैं। बाय। इट्स अ नाइस होटल, द खुरानास। बिग थम्स अप। जस्ट अभी टूरिज्म ऑफिस के बाहर है। ओके, सो यहाँ से हम लोग जो गुरुडोंगमार जाएंगे। अभी ये बारिश कब तक चलने वाली है? पूरी दिन भर आपके पास रेनकोट है? बारिश तो अभी फिक्स नहीं है, अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ हो रहा है, थोड़ा आगे से नहीं हो भी सकता है, ये सब हो रहा है। थोड़ा सेफ्टी जाइएगा, ठीक है? थोड़ा फॉगी है, ये सब। तो यहाँ से कैरी ऑन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हमें नारायण जी मिले यहाँ पे, ये सिक्किम टूरिज्म के ऑफिशियल पार्टनर हैं, और इन्होंने हमारा बहुत जल्दी सब कुछ करवा दिया। एक्चुअली एक दिन पहले आना पड़ता है बाइकर्स को या किसी को भी अगर ट्रैवल करना है गुरुडोंगमार लेक के लिए। बट मैं और केशव भैया आगे पहुँचे आज ही, और आज ही निकलना था हम लोग को, मतलब गुरुडोंगमार लेक के लिए। तो इन्होंने हमारा काम बहुत आसानी से करवा दिया। इनफैक्ट इन्होंने हमारा लाचेन पे रुकने का बंदोबस्त, वहाँ से गुरुडोंगमार जाके फिर दोबारा आके लंच करने का, मतलब पूरा रहने का एकोमोडेशन सारा बंदोबस्त उन्होंने यहाँ पे कर दिया। एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, जो कि आप नॉर्मली बुकिंग करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो बिग थम्स अप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, सो अगर आप तुम लोग आते हो यहाँ पे तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइज, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, बट बहुत ही ज़्यादा। बट अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से, अराउंड 10 बज चुके हैं, ठीक है ना भाई? जल्दी पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं ऑन द वे। वेल, वेरी टायर्ड भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई। बिग थम्स अप गाइस। सो फाइनली हमने स्टार्ट कर दी है अपनी आज की खूबसूरत जर्नी गुरुडोंगमार लेक के लिए। बट गुरुडोंगमार लेक तो हम आज जाने वाले हैं नहीं, बिकॉज हमें लाचेन रुकना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरीके से रेन कवर में पैक्ड हो चुके हैं, बट ग्लव्स नहीं। ग्लव्स मेरे तुम लोग देख ही रहे हो, ग्लव फट चुके हैं मेरे। तो वेल, वो इतना मैटर नहीं करता है। ओ माय गॉड, फॉग देख रहे हो भाई? बादल है, बादल, फॉग नहीं, बादल है। ओह वाह, क्या बात है। यहाँ पे सब लोग चाइनीज ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं भाई, अपने भी फोटोज बनते हैं। ओ माय गॉड, वगैरह पहनना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। गाड़ी भी तो लाइट नहीं चला रहा है, मैं तो बंद करके चला ही नहीं सकता भाई। गाइस, मेरी उंगलियां लिटरली जम चुकी है अभी से ही। एंड अभी हम लोग को बहुत लंबा सफर सकते हैं करना है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल का फिर भी विजिबिलिटी में आप लोग थोड़ा जजमेंट हो जाएगा, कलर करेक्शन मैं कर दूंगा। उससे पूछते हैं भाई, गुरुडोंगमार लेक, गुरुडोंगमार लेक किधर से जाइए? हाँ राइट, थैंक यू भाई। एक ही रूट है, वही रूट जाइए। ओके थैंक यू। रोड नहीं छोड़ना, ये तो रोड ही हम तो कहाँ जाते हैं। चार बजे का रास्ता है, बड़ा है। ओहो वाओ, हाँ आराम से कैसे निकालो भाई। अच्छा सुनो, हाँ बाई चांस बाइक अगर इम्पैक्ट हुआ, कहीं गिरा ना, आप बाइक छोड़ के हट जाना, ठीक है? रोकने की कोशिश मत करना। ये वाटरफॉल है देखो, वाओ। रुकने का दिल है लेकिन रुक नहीं सकते आप। चीज है हमारे पास, घूम रहा है आगे पीछे। अबे माता काटता है क्या चीज? अबे काटता तो नहीं है। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये केशव भाई के पीछे पड़ गया है, केशव भाई भाग रहे हैं। भाई गाड़ी खींचो। भाई हमारे पास भाग रहा है वो, भाई लिटरली भाग रहा है वो। भाई चलना तू, चलो चलो चलो। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू। और केशव भैया आपके पीछे क्या पड़ा हुआ था? कौन सा विचित्र प्राणी था वो? 105 किलोमीटर। हाँ वो 10 ही आए हम लोग। और भाई उसको देख के हालत खराब, इतना खराब रास्ता है और पानी का इतना खूबसूरत एक साउंड आया है, राइट ब्रो? भाई बहुत अच्छा। वो देखो पुराना ब्रिज, फोटो बनता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक रिवर बह रहा है एंड इट्स लुकिंग रियली मेस्मराइजिंग, बहुत ही खूबसूरत। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, माउंटेन्स। कीप वॉचिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है। आई नो आज सा वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा है, बट इससे पहले का वीडियो थोड़ा ढीला डाला हुआ है यार गैंगटॉक तक पहुँचने में। भाई कैसा लग रहा है बताओ मुझे? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ में लेके आ गया तो कैसा, कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब कैसा सोच के लगा था वैसा मिल रहा है? बहुत, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। असली नॉर्थ ईस्ट का मज़ा, असली नॉर्थ ईस्ट। इट क्वाइट ऑब्वियस, केशव भैया दिल्ली से है तो उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, हमारे लिए तो ये चीज़ें नहीं है ना भाई। हमारे यहाँ माउंटेन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, मनाली वगैरह में। सो गाइस कैसा लग रहा है ये नज़ारा? आई नो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा तुम लोग को। भाई को कैसा लग रहा है? मेरे जस्ट लुक एट दिस गाइस। वैसे यहाँ पे कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई। लुक एट दिस, ये पुराना केबल ब्रिज था जहाँ पे अभी जाना अलाउ नहीं है, बस हम बाहर से ही फोटोज़ खींच सकते हैं, दैट्स इट। गाइज मुझे इस ब्रिज के ऊपर तो जाने का दिल है, बट ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी और ये लकड़ी का है, टूटा हुआ है, सो वी वॉन्ट बी एबल टू गो। बट ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड भाई वो केबल देख रहे हो, केबल में इस ब्रिज को लटकाया हुआ है। सो भाई रेडी? एक्चुअली हमें यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें लाचीन पहुँचना है, बट इतना खूबसूरत व्यू है, बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत सा फोटोशूट किया हम लोगों ने ब्रिज के ऊपर, और ऐसा ट्रेडिशनल ब्रिज की मिला हम लोग को, तो रुकना तो बनता ही था। थोड़ा बहुत लेट चलेगा, हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमें ब्रेकफास्ट भी करना है भाई, सामने सेवन सिस्टर फॉल भी है, बस वहाँ चलना ही है भाई। तो हम लोग रास्ते में ऑब्वियसली वहाँ पे रुकने वाला, बारिश हो रही है तो हमें कैमरा भी बंद करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, ठीक है? फिर आगे चल के बात करते हैं। चलो चलो, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम लोग किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए, यहाँ पे पार्टी चल रही है। उन लोगों ने हमें ऑफ़र किया खाना खाने के लिए, बट हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। स्यापा हो रहा है अपना। हाँ माय गॉड, दिस इज नाइस मैन। हम लोग किसी के घर में पार्टी चल रहा था, उसको होटल समझ के घुस गए, और केशव मैंने तो लिटरली चाय ऑर्डर भी कर दी। वाह वाह वाह। सो गाइस वी रीच द सेवन सिस्टर फॉल। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? ओके, दो मैगी कर दीजिए, ओके, एंड दो चाय कर दीजिए। तो लेके आओ लैपटॉप, पानी टैंक पे बैठ के, लेकिन लैपटॉप के अंदर पानी जा सकता है ना? जा रहा है क्या? जाएगा क्या? ऐसे जा रहा है ना, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो, ठीक जाएगा क्या पानी? नहीं जाएगा भाई, श्योर ना? ये इधर से टपकेगा क्योंकि ना पानी और करेगा ना, फिर पानी जाने का घुसने का जा रहा होगा साथ से। हाँ भाई, बीच में पड़ेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा अभी आ जाएगा क्या? व्यू पॉइंट कंचनजंगा का, ओके। कौन सी जगह से? एंड अगर तुम लोग को इमेज डार्क आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं दूसरा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वाला, और कोई कैमरा मैंने अभी बाहर नहीं निकाला है क्योंकि बारिश में जस्ट लुक एट माया की हालत ख़राब है। सारे कैमराज उसके अंदर ही है, टैंक बैठना है लैपटॉप के साथ। आई जस्ट होप कि लैपटॉप के अंदर पानी ना जाए, उसके अलावा जो भी कुछ हो जाए डजेंट मैटर। एक्चुअली बाइक में लगेज बहुत ज़्यादा है, तो हम वी डिसाइडेड कि हम एक एक करके जाएंगे। तो मेरा भाई तो पूरा ऊपर से जाके घूम के आ गया, मैं तो उतना ऊपर तक जा नहीं पाऊँगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट आई वॉक थोड़ा बहुत जाऊँगा जितना जा सकता हूँ, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगा, ओके? बिकॉज पूरा ऊपर तक तो मैं जाने वाला वैसे भी नहीं हूँ। एंड दैट्स मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे रुकता नहीं। इसको सेवन सिस्टर फॉल कहते हैं, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम गोइंग, अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं जाता। जस्ट लुक एट द व्यू, इज़न्ट इट कूल? जस्ट कैरी ऑन। एक्चुअली द थिंग इज व्हाट, वी हैव टू विजिट गुरुदोंगमार एज मच पॉसिबल। ऊपर जाना आई डोंट नो कितना पॉसिबल है मेरे लिए, बट वाओ मैन, जस्ट लुक एट द व्यू, इज़न्ट इट कूल? यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट आई डोंट थिंक कि मैं ऊपर तक जाने वाला हूँ। केशव भैया ऊपर तक जाके ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो तुम लोग एक 360 दिखाते हैं। वेल, ये फॉल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसे बोलते हैं सेवन सिस्टर फॉल। ये वन ऑफ द बहुत बड़ा अट्रैक्शन है सिक्किम का, बट इसके लिए इसको प्रॉपर्ली देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इट डजेंट मीन दैट कि यहाँ पे सेवन फॉल है। इसका नाम सेवन सिस्टर फॉल इसलिए है क्योंकि ये सेवन स्टेप्स है इस पर, तो सेवन डिफरेंट स्टेप ऑफ फॉल्स के कारण इसका नाम सेवन सिस्टर फॉल पड़ा है। एंड ये सिक्किम का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर विजिटेड प्लेस है, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम हियर। अभी नीचे जाने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज फोटो क्लिक करके कैरी ऑन करेंगे। बीच ब्रिज कमजोर फुल, वन व्हीकल एट अ टाइम। सो गाइस हमें ये सिक्किम में ऐसी ब्रिज ज़्यादा मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, वन व्हीकल एट अ टाइम बोल रहे हैं, हैवी व्हीकल नॉट अलाउड। वाह भाई लकड़ी टूट रही है, गंदा वाला साउंड आया मेरे को। ये चाइनीज टेंपल है या इंडियन टेंपल भाई? क्या बोल रहे हैं? जय दुर्गा माँ जय भोलेनाथ। क्या बोल रहे थे? पता नहीं, हमको बोला ना। गाइज विजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है एंड ऊपर से ये ब्लैक क्लाउड आ चुके हैं सामने, तो इट वाज लाइक क्या बताओ, लेकिन मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा। बस मेरे हाथ जम चुके हैं। सो गाइज वी आर समवेयर इन किसी व्यू पॉइंट पे है, खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जाता है वो रास्ता? वो आगे जाके हाईवे जाता है 17 वाले पे, क्योंकि अगर वो छोटा रास्ता होता ना तो सब लोग उसी रास्ते से आ जाते हैं डायरेक्ट फिर। सो गाइज दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पम्प। इसके बाद हमें लाचुन से कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा अप टू गुरुडोंगमार के वापस आने भी हमें यहीं पे पेट्रोल भरना है आई थिंक सो। सो अभी मैं गाड़ी को रिफ्यूल करूँगा, ऑलरेडी गाड़ी में फ्यूल है बट स्टिल आई हैव टू रिफ्यूल। उस तरफ जाना है क्या? बोला है क्या? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, दोनों साइड में वैली एंड वाओ। वो देखो भाई वाटरफॉल गिर रहा है, वेरी नाइस। सो गाइज हम लोग अभी हैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे। यहाँ से लाचीन पहुँचने के पहले बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है और यहाँ से पूरा आप हिमालय देख सकते हो कंचनजंगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो रही है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो वी वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग बट इट्स सच अ वंडरफुल व्यू और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को राइड करते हुए। बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रास्ते बहुत ही वर्स्ट है बट सुनने में आया आगे रास्ते थोड़े अच्छे हैं क्योंकि फिर इसके बाद हमें लाचीन के बाद ख़राब रास्ते मिलेंगे गुरुडोंगमार लेक के लिए। ये सारे माउंटेन्स हैं, नॉट ओनली क्लाउड। भाई 22% बैटरी बाकी है। गाइस रास्ता बहुत ख़राब है, ऊपर से ये फॉग, ओ माय गॉड, won't be able to see anything right now but still I'm riding. Bhai just look at the water crossing man. वाओ फोटोज लेना है। वाओ हाँ थोड़ा काम कर सकता है गाड़ी खड़ी करके। मेरा भाई पता नहीं किसको मैसेज कर रहा है, वीडियो कॉल लगा हुआ है भाई, वीडियो कॉल में वीडियो कॉल करने वाला है। इसमें पानी घुस गया, पानी घुस गया। Isn't it cool? चलो हमें फाइनली रेस्ट मिल गया। केशव पे बाइक को बस ध्यान रखना थोड़ा। ऊपर चलते हैं, कैमरा स्टिक लेके नहीं आया हूँ गाइस। ये ब्रिज टूट जाएगा अगर मैं चढ़ा तो, इसमें इस ब्रिज में मैं चढ़ने वाला हूँ नहीं। आज सच अ वंडरफुल व्यू मैन, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। बट मेरे जूते में पानी घुस गया, व्यू के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब तो मैं रुकूंगा भाई। looking exhausted because of the ride, but this is such a wonderful view, guys. Just look at this. क्या लग रहा है भाई, इतना बड़ा झरना तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम लोगों ने सबसे बड़े बड़े झरने देखे होते थे भाई, इतने बड़े बड़े वाटरफॉल हमने अपने लाइफ में नहीं देखे जितने बड़े बड़े वाटरफॉल हम अभी देख रहे हैं। एंड दैट्स कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल। हम लोग के एक्सपेडिशन के बाहर मस्ती हो रही है भाई, राइट, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप करते हुए आ रहे थे। मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल हम लोगों ने स्किप किया, राइट। इनफैक्ट हम लोग सेवन सिस्टर में सिर्फ भैया गया, मैं गया ही नहीं, बट दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, यू कांट बिलीव। और आई वाज लाइक कि जैसे मैंने इस वाटरफॉल को देखा, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। आज का फोटोशूट खत्म करते हैं क्योंकि हम कंस्टेंटली वीडियो शूट किया जा रहा है, फोटोशूट किया जा रहा है आगे की तरह। सबसे ज़्यादा तो भाई की फोटो हो रही है बहुत ही ज़्यादा फोटोशूट शायद पूरे साल भर में लिया नहीं, पूरे फैमिली में जितना लिया। मैं ऑल इंडिया राइड पे इतना नहीं लिया हूँ जितना फोटोज मैं अभी तक भाई की ले चुका हूँ। फिलहाल दैट्स सच अ वंडरफुल व्यू, हम लोग रुक गए थे इसी के लिए। बट आई थिंक ये पूरा वन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट है राइट, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है और कल भी और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अभी निकलते हैं, बाकी लोगों को फोटोज ले देते हैं। हम लोग को बहुत दूर जाना है, इनफैक्ट बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इट क्वाइट ऑब्वियस लिटिल बिट डिफिकल्ट, उससे पहले हम निकल जाएंगे, ओके। और यहाँ पे नॉर्मली फेस वही नज़र आ रहे हैं कल जो हमें एमजी मार्केट में नज़र आ रहे थे। ऑलमोस्ट सारी ट्रिप सब लोग की एक ही रूट होके जा रही है और सारे स्टॉपेज भी ऑलमोस्ट सेम क्योंकि हम सारे गुरुडोंगमार के लिए जा रहे हैं, जहाँ साउली रीजन। तो अभी के लिए ख़त्म करते हैं, लेट्स कैरी ऑन, बाय। सो गाइस, नाउ इट्स अराउंड 9:30 PM एंड हम लोग जस्ट अपना डिनर लेने के लिए आए हैं। बट आज आफ्टरनून हमने कोई लंच तो किया नहीं और ना कुछ स्नैक्स लिया था बिकॉज वी रियली वांटेड कि हम जितना जल्दी हो सके हम रीच करें इस एरिया को। एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग हम लोग को अभी सजेशन मिला इज अप्रॉक्सीमेट 5 or 5:30, राइट। अराउंड 5:30 तक हम लोग को निकल जाना चाहिए गुरुडोंगमार के लिए। खाना आ गया, और चिकन कुछ देर बाद।